गाइस, जो मर्जी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जो मर्जी चैनल। सो गाइस, सभी कैसे हैं? आज एक बहुत ही ख़तरनाक वाली वीडियो डालने लगा हूं और आपको ये बताने लगा हूं कि जो आप यूट्यूबर हैं उनको स्पेशली एक सब्सक्राइबर और बेल आइकन के लिए एक इंट्रो चाहिए होती है, और मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनाएं, उसे हम कैसे क्रिएट करें। बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बनाने का। सो गाइस, आपको क्या करना होगा कि पहले चैनल ओपन करके किसी और मेल आईडी पे, कोई और मेल आईडी होनी चाहिए, उस पर आप चैनल को ओपन कर लीजिए अपने, जैसे कि मैंने कर रखा अभी। तो आपको क्या करना होगा कि पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही जैसे हमें दिख रहा है, जब चैनल जैसे दिखता है हमें, स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद हम सब्सक्राइब करें इसे। जब सब्सक्राइब्ड हो जाएगा तो उसके बाद इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट इसके ले रखे हैं, अभी तो मैं ले नहीं रहा। और उसके बाद आपको बेल आइकन जब प्रेस कर लोगे तो आपको एक और स्क्रीनशॉट होता है, वो फ़ोन जो दिखता है जिसके अंदर हमारा ये चैनल दिखता है, जो इंट्रो होती है, मैक्सिमम आपने देखा होगा काफ़ी चैनल्स पे। तो उस फ़ोन को कैसे क्रिएट करना है पीएनजी में, वो भी आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने खुद क्रिएट करना है वो भी आप कर सकते हो, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा एक अलग से बना के कि आपको पीएनजी में फ़ोटो कैसे कन्वर्ट करनी है। सो गाइस, पहले तो ये बात है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगा पीएनजी की, वो भी आपको दिखे। और आप अपनी खुद की पीएनजी फ़ोटो कैसे बनानी है वो भी मैं उसी में बताऊँगा कि खुद की फ़ोटो भी पीएनजी कैसे बनाएं। वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इसे प्रेस करने से क्या होगा कि जब मैं वीडियो डालूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन उसी टाइम आ जाएगा कि वीडियो चैनल पर डल गई है। सो गाइस, आगे चलते हैं। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाके जैसे ही प्ले स्टोर में आपको क्या करना है, काइन मास्टर सर्च करना है। काइन मास्टर, इसे आपने जैसे ही काइन मास्टर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, जैसे आप इंस्टॉल करके ओपन के ऑप्शन आएगी तो आपको ओपन करना है। सो गाइस, कुछ इस तरह आपका काइन मास्टर ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा आपसे कि किस आपको रेशियो में चाहिए आपको वीडियो। सो आप जिस रेशियो में आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी यूट्यूब पे तो आपका जैसा वीडियो होगा वैसे ही आपको सेलेक्ट करना है, 16:9, अगर 9:16 और 1:1 में होती है तो आपको वही सेलेक्ट करना है। अभी मैं 16:9 में बनाना जा रहा हूँ, तो उसने उस हिसाब से इसका मुझे फ्रेम इसका क्रिएट करके दे दिया है। सो अभी वो मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कोई भी अपने जो आपको अच्छी लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी मैंने बैकग्राउंड रखा है इसमें, बैकग्राउंड करने के बाद आप लेयर पे जाइए और मीडिया पे जाइए, और जो आपका फ़ोन का पीएनजी है आप उसे, जो आपने डाउनलोड किया है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा, और आपको अपने हिसाब से जो इसका साइज़ रखना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए जाके। फिर मीडिया पे जाना आपको, उसके बाद जो आपका जो आपने स्क्रीनशॉट लिए थे वो आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे पहले हमें सब्सक्राइब वाला सेलेक्ट करना है, और इसे पूरा फ़ोन के अंदर हम पूरा फ्रेम के अंदर इसे सेट करना है। जैसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसे सेट करने में, अभी थोड़ा टेम्परेरी मैं सेट करके आपको बता देता हूँ। तो एक सेलेक्ट हो गया, इसे आपको क्या करना है, इसका टाइम थोड़ा कम कर देना है कि थोड़ा, अभी इंट्रो हमारा थोड़े ही सेकंड का होता है, आपको पता ही होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर में जाके उसके बाद फिर टेक्स्ट पे जाइए,
टेक्स्ट पे जाके आपको क्या करना है, आइकन पे जाना है। आइकन पे जाके आपको जो हैंड है जिससे आप बताओगे कि हाँ सब्सक्राइब करें यहाँ से, तो वो आइकन हम हैंड का सेलेक्ट कर लेंगे इमोजी से और ठीक सब्सक्राइब के ऊपर रख देंगे इसे, यहाँ सब्सक्राइब के ऊपर सेट कर देंगे। तो अभी इसे मूव भी करना है कि ऐसे हम क्या करेंगे, इसे एनिमेशन दे देंगे। तो गाइज आप एनिमेशन जो देना हमें, जो आपको आ रहा है यहाँ नीचे ऑप्शन ओवरऑल एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन में आप क्लिक करोगे ठीक नीचे जाके आपको मिलेगा स्क्यूजिंग करके एक एनिमेशन होगा इसमें। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे देखिए कुछ ऐसे एनिमेट करेगा, और जो एनिमेशन आपका ये अभी लग गया यहाँ, आप जैसे ओके करोगे तो इस एनिमेशन का एक अलग से लेयर बन जाएगा नीचे, और जितना हमें चाहिए हम बस उतना ही रखेंगे इसे। और उसके बाद आपको अगेन सेकंड फ़ोटो आपको सेलेक्ट करनी है, फिर आपको लेयर पे जाना पड़ेगा, मीडिया पे जाइए, स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हमें चाहिए जो सब्सक्राइब हो गया हमारा चैनल, सब्सक्राइब वाला स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लीजिए और वो भी आ जाएगा। इसे भी थोड़ा सेट करना और सेम उसी पोजीशन पे सेट करना पड़ेगा हमें। सो गाइस अभी सेट कर दिया मैंने, तो सेट करके फिर ओके करके आपको इसका भी जो टाइम है जितना देर तक हमें चाहिए उतना ही सेलेक्ट करेंगे इसे। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से हमें लेयर पे जाके टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाके आप फिर इमोजी पे जाएंगे, और अभी हमें चाहिए बेल आइकन का, और बेल आइकन का भी हमें यही नीचे मिल जाएगा। हम सर्च भी कर सकते हैं, सीधा बेल लिखेंगे और बेल आइकन हमारा आ जाएगा। ओके करेंगे तो बेल देखिए तो थोड़ा बड़ा करके बताएंगे कि बेल आइकन को भाई प्रेस करो, और बेल आइकन को भी हम एनिमेशन देंगे। ओवरऑल एनिमेशन में जाइए और जो आपको ठीक लगता है, जैसे फ्लिकर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, कुछ और भी चेक कर लेते हैं, पल्स भी ठीक है, ये तो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, हाँ ये भी ठीक है, फाउंटेन, रिंग, फ्लोटिंग, ड्रिफ्टिंग, रेन, स्पिन, वैसे मुझे तो पल्स अच्छा लगा, ये बहुत बढ़िया है। इसे हम सेलेक्ट करके अभी ओके कर देंगे, और इसके बाद हमें फिर टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, लेयर में जाके फिर हम इफेक्ट पे जाएंगे, सॉरी टेक्स्ट पे जाएंगे, और अभी फिर हम हैंड पे क्लिक करेंगे, और ये अभी बेल आइकन पे हम इसे शो करेंगे। हाँ बेल आइकन पे जैसे हम इसे सेलेक्ट कर देंगे तो इसे भी ओवरऑल एनिमेशन देना है, जो स्क्यूजिंग वाला था यही हम प्रेस करेंगे फिर। हाँ जैसे हम अब ओके कर दिया है तो, और इसका भी थोड़ा टाइम जो लैप्स है कम करना पड़ेगा, हाँ ठीक इतना कर देते हैं। तो आइए प्ले करके देखते हैं क्या बना अभी इसका। सब्सक्राइब हुआ, बेल आइकन आया, और बेल ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। सो गाइस अभी थोड़ा बेल को साइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, और एक गलती और भी हो रही है इसमें, जो हमारी फ़ोटो है फ्रेम है जो हमारा थोड़ा, इसका भी बिल्कुल टाइम जो है ड्यूरेशन बराबर करना है,
ओके, और जो फोटो लास्ट वाली है इसका भी इसके बराबर करना है, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा तो सारा हमारा किया किराया पे पानी फिर जाएगा। सो देखिए अभी प्ले करते हैं। सब्सक्राइब हुआ, बेल आइकन प्रेस हुआ और बेल ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। गाइस अभी बचा है कि इसके बैकग्राउंड जो हमारी आवाज़ हम रिकॉर्ड करेंगे वो कैसे करें, वो भी बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको वॉइस पे क्लिक करना है। वॉइस पे क्लिक करके जैसे ही अभी रिकॉर्डिंग ऑन है तो होगा नहीं, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी वॉइस जैसे आप बोलोगे वो साथ में साथ। और अभी इसके बाद जब हमारा फाइनल टच हो जाएगा तो हमें क्या करना है, शेयर पे जाके जिस रेजोल्यूशन पे आपको चाहिए उस पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। 1080 है, 1440 है, 720 है, 540 है। मैक्सिमम हम 1080 पे ही करेंगे क्योंकि हमारी यूट्यूब पे वीडियो होगी वो हाई क्वालिटी की होगी। और यहाँ से हम इसका 33 MB की बन रही है हमारी, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो 33 MB की हमारी वीडियो बन जाएगी। और जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद हम वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। देखिए एक्सपोर्ट किया मैंने, एक्सपोर्ट जैसे हो जाएगा उसके बाद यहाँ प्ले का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। ये देखिए, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें, बहुत ही बढ़िया बना है वीडियो। सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो मर्जी चैनल का नाम है और जो मर्जी ही वीडियो डालेंगे इसमें। और गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को। थैंक्स सो मच गाइस।